अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के बावा का पूर्वा मवई गांव का है। 9 साल पहले इस गांव की महिला की शादी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चहेती नगर में धूमधाम से हुई थी। महिला के परिजनों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर खुशी खुशी बेटी को ससुराल विदा कर दिया था। उसके सुखमय जीवन की कामना करते हुए खुश हो रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। इसी बीच महिला के 2 बच्चे भी हुए। इसी के बाद से ससुराल वालों का रुख बदला और दहेज की मांग की। दहेज देने में अपने को सचमुच ना पाते हुए महिला के परिजनों ने बेटी के ससुराल वालों को समझाया, लेकिन अंत में दहेज की मांग पूरी ना होने पर पति ने अप्रैल 2019 में तलाक देकर बच्चों के साथ घर से भगा दिया। तलाक के बाद से पत्नी ने न्याय के लिए थाने का कई चक्कर लगाया, लेकिन न्याय मिलना तो दूर, किसी ने उसकी फरियाद भी नहीं सुनी। थक हार कर पीड़िता ने SP अमेठी को शिकायती पत्र दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए SP रख्याती गर्ग ने जामो थाना पर मुकदमा दर्ज कराया। इस समय महिला अपने मायके में माँ बाप के साथ रहकर गुजर कर रही है। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या नाम है आपका? शबनम बानो। ये बताइए, आपका 3 तलाक हुआ, आपके पति ने क्यों दिया 3 तलाक? हमारी 9 साल पहले चहेती नगर गांव में शादी हुई थी। उसके बाद हमारे घर वालों ने दहेज के लिए बहुत तंग कर रहे थे, मारते पीटते थे। फिर उन्होंने गाड़ी वगैरह की मांग जांच की, लेकिन हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि उन्हें गाड़ी और दहेज दे सके। इसीलिए, और मेरे 2 बच्चे भी हैं, इसीलिए उन्होंने 3 तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो गए, उनको रुपया पैसा की जरूरत है, अब उन्हें खर्चा दिया जाए। आपको 3 तलाक इन्होंने कब दिया? अप्रैल में। आपने जामो थाने में मुकदमा लिखवाया, तो उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हमने पहले वहाँ से गौरीगंज SP के यहाँ नोटिस भिजाया जगदीशपुर में, फिर वहाँ थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर नोटिस भिजाया, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने मुकदमा लिखवाया, फिर अब हमारा मुकदमा दर्ज किया गया।